और इसने नया याला हेलमेट रखा है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों, नए दिन की नई शुरुआत के साथ स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में, हमारा यानी आपका और हम सबका मिलके हम सबका। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फुड़कन्ना धारा से, जस्ट थोड़ा ऊपर पे धारा, यहाँ पे को है धारा, मैंने बहुत सारी वीडियो में दिखाया है। तो आज मैं थोड़ा ना जाखनी तक जा रहा हूँ, जाखनी में मेरा काम है। काम बस इतना सा है कि मेरे को लाना है एक हेलमेट, नया हेलमेट जो कि मैं लेने जा रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग के लिए। और पुराना वाला मेरा ये रहा, इसमें भी मैंने अपना माउंट आउंट, ये तो हमेशा सेट रहता है मेरा। तो आज जा रहे हैं हम जाखनी, तो चलते हैं सफर दिखाते हैं आप लोगों को, बने रहो वीडियो के साथ। चलो, तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो गया है और ऑफ रोडिंग मेन रोड में मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि गलत बात है इसलिए। समाज में क्या असर पड़ेगा? तो अरे, तो यहाँ से हमको जाना है मार्केट को। ये रहा धारा और यहाँ से चलते हैं। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। हम लोग चल पड़े अपने पड़ाव की ओर, पड़ाव मतलब जाखनी, जहाँ पर से हमको लेना है हेलमेट। काफ़ी ज़रूरी है यार हेलमेट पहनना ना गाड़ी चलाते वक्त, सेफ्टी रहती है। और ऐसे धुप्पल एक्सप्रेस वाली नहीं है यार भाई, हेलमेट का मतलब ये नहीं कि तुम चालान से बस निकले हेलमेट पहनो, हेलमेट का मतलब ये है ना कि तुम अपनी सेफ्टी के लिए पहनो भाई, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं रहता है, होनी अनहोनी भाई टाइम नहीं लगता है कुछ होने में। तो इसलिए हेलमेट अपनी सेफ्टी के लिए पहनो, ये नहीं कि एक टप्पा पकड़ लिया भाई वहाँ पे चालान हो रहा है तो पहन लो, एक गलत बात है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हेलमेट पहनते हो तो यार एक रिस्पेक्ट के साथ पहनो, और अगर नहीं पहनते हो तो चलो कोई नहीं, लेकिन गाड़ी प्यार से चलाओ, आराम से चलाओ। ये कासनी की मार्केट है, देख सकते हो कासनी की मार्केट का भी पूरा दर्शन कराया है ना शुरू से लास्ट तक आप सभी को। तो वीडियो में भी आप लोग शुरू से लास्ट तक ना बने रहना हमारे साथ, बहुत ज़रूरी है आपका हमारी वीडियो में जुड़े रहना। और नए हो तो जानते ही हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, बिन करे तो जाना ही मत। मतलब ये चेक कर रहे हो, ये चेक कर रहे हो, अंकल किक मार रहे हैं। मॉल जाना है क्यों? क्या तो हमको ना दोस्तों एक बार मॉल जाना है, तो आप लोगों को ना आज मैं पिथौरागढ़ का जो मॉल है ना मॉल वो भी दिखा दूंगा। ओले 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 ओले, बहुत तेज हो रहा है। ये भी ना जाने, हेलमेट खोलना पड़ता है क्या यहाँ जाने के लिए? बिना हेलमेट के नहीं जान देते, जरूरी है हैं, हेलमेट खोलना जरूरी है क्या? जा एक बार ले आ, फिर मैं बाहर रुकता हूँ, क्या करूँ कहाँ। अबे तेल का पाउच तो दोस्तों मॉल में ना वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था, तो हम वीडियो नहीं खोलेंगे और जितना सामान लेना है सिर्फ वही दिखाएंगे। एक ऑयल लेना है इसको बस, और कुछ नहीं लेना। तो ये बात कर रहा है, फिर उसके बाद मॉल से बाहर ही मिलेंगे सीधा, मना कर रखा है तो भाई सही नहीं होना। इसलिए सीन बस इतना सा था कि अंकल ने कहा कि यार मॉल के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो हमने कहा ठीक है हम नहीं बनाएंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा सामान लेना था तो उतना तो चलता ही है, इसलिए हम वापस आ गए। तो दोस्तों हम लोग ना एंटॉर्क से आ गए हैं मेस्ट्रो 125 में, क्योंकि एंटॉर्क ना वो कोई दीदी ले गई, मतलब अनिल की दीदी ले गई, तो हमको हेलमेट चाहिए था, तो हेलमेट के लिए हम लोग आ गए हैं इस दुकान पे जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं। तो व्हीकल स्टेशन है इस जगह का नाम, हेलमेट देख लेते हैं एक बार यहाँ पे और उसके बाद चेक करते हैं कि करना क्या है आखिरकार। तो हेलमेट तो यहाँ है, इस तरफ है यहाँ, ये मिल गया है, तो हेलमेट इतने तो लग गए। गुड मॉर्निंग, एक वो देख ली रेड हेलमेट दिखा दो थोड़ा। व्हीकल स्टेशन फाइनली अभी हम बैठे हुए हैं दादा, एक बार दुकान का नाम बता दो। व्हीकल स्टेशन है, तो ये वी वायरस डांस क्लास और म्यूजिक क्लास, और बाहर तरफ है वी स्टेशन जहाँ मिलता है व्हीकल वगैरह का सामान जो कि हेलमेट वगैरह। तो हम सोचे चलो यहीं आ जाते हैं हेलमेट लेने, और हेलमेट लेने हम आ गए और चेक कर रहे हैं कौन सा, मेरे को तो ये पसंद आ रहा है, लेकिन अनिल का कहना है कि रेस एडिशन में ये कम्फर्ट नहीं लग रहा, तो उसको पसंद आ रहा है ये वाला जो इसने पकड़ रखा है।
तो चेक करते हैं जो भी पसंद आता है वाला लेते हैं। और बाहर भी दादा है ना ओनर दुकान के, उनसे मिलाते हैं, उनसे भी पूछताछ कराते हैं, और आपको अगर बाइक से रिलेटेड अपनी गाड़ियों से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो ले सकते हैं। रेस एडिशन में नहीं जमेगा बोल रहा हूँ मैं, अला यहाँ पे और चीज़ दिखाता हूँ म्यूज़िक की। तो यहाँ पे रखा हुआ तबला, ढोलक, हारमोनियम और वो म्यूज़िक सीखने वालों के लिए हैं, और ये हैं डांस क्लास के लिए स्पीकर, और सामने इधर देख सकते हो गिटार विटार जो कि म्यूज़िक क्लास वालों के लिए हैं, और ये हम तीन भाई। ये थी सामने म्यूज़िक क्लास डांस क्लास, और यहीं पर से जस्ट बाहर पे ये है वी स्टेशन। यहाँ पे गाड़ी मॉडिफाई भी करते हो दादा? तो आप ना खुद से दुकान के बारे में और जो भी चीज़ें हैं ना कि यहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और कौन सी जगह एड्रेस इसका वो सब बता दो। ये भीड़ में है, पोस्ट ऑफिस के सामने मतलब बगल में, और हमारे पास एसेसरीज सारी मिल जाएंगी आपको, जैसे हंटर की चाहिए आपको लेग गार्ड हो गए ये क्रैश गार्ड लेग गार्ड, और आपको हेलमेट मिल जाएंगे, हेलमेट सारे अवेलेबल, राइडिंग गियर्स मिल जाएंगे, राइडिंग गियर्स सारे सामान अवेलेबल है, और बाकी भी काम भी हो जाते हैं ये सब। थैंक यू दादा। फाइनली अनिल ने अपना हेलमेट ले लिया है भाई ने, बहुत बहुत बधाइयां। चलो फिर सेलिब्रेट करो। अब एक नई गाड़ी भी आ जाती है 2-3 साल में, जरूरी है। तो चलो फाइनली जो रेड वाला हेलमेट आप लोगों को दिखाया था वो फाइनल कर दिया है। अब घर जाके इसमें ना एक मोटो ब्लॉगिंग सेटअप चेक कराएंगे और उसकी वीडियो भी बनाएंगे जरूर। फाइनली इस नए हेलमेट का हकदार हो गया ये। अपनी खुशी थोड़ा जाहिर करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद उधर दादा का, धन्यवाद करो मेरे से क्या बोल रहे हो। ये दोस्तों व्हीकल स्टेशन जो कि ना, और इसने नया याला हेलमेट ही रखा है, और ये भाई बच गए दादा, ये गिर गया। और ये ना ये जाखनी में इस जगह पे है पोस्ट ऑफिस के सामने, देख सकते हो लोकेशन ये है, ये यहाँ पे डांस एंड म्यूजिक क्लास देते से। तो चलते हम लोग अपने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में जो कि माउंट और हेलमेट से रिलेटेड रहेगा मोटो ब्लॉग के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।